आप कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूट माला पहनाते अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? तो रहा तो सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी, तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा? नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लगातार कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में तो कभी पूरे सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते रहे हैं। और इन दिनों लगातार सुधाकर सिंह जो है वो किसानों के हित में जो है वो एक जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे, राकेश टिकैत जो किसानों के बड़े नेता कहे जाते हैं वो बिहार आए हुए हैं, और उस दौरान सुधाकर सिंह जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वाले लोग नक्सली नहीं, बल्कि जो अधिकारी और जो नेता कुर्सी पर बैठकर जनता की बात नहीं सुनते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते हैं, वो नक्सली हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी के मुंह पर थूकिए उसका कोई जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का है, ये बयान हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किस तरीके से अपनी पूरी बातों को उन्होंने रखा है। लगातार सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में भी बयानबाजी करते रहे हैं और सरकार के खिलाफ में लगातार वो किसानों के हित में सवाल खड़े करते रहे हैं। और ऐसे में आज फिर से जब किसानों के नेता राकेश टिकैत बिहार आए हुए हैं और जब मंच से संबोधित कर रहे थे सुधाकर सिंह तमाम किसानों को, उस वक्त उन्होंने इस बात को कहा कि जो जंगल में लोग रहते हैं नक्सली वो नहीं है, नक्सली वो हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं और जो नेता जनता की बात नहीं सुनते हैं, किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, वो नक्सली है, ऐसे लोगों के मुंह पर थूकिए। ये बात जो है सुधाकर सिंह ने कहा है, पूरा बयान आप सुनिए। फसल पैदा करते हैं उसका 70% 1200 रुपया क्विंटल धान बेचते हैं और 1200 रुपया क्विंटल बेचते हैं, यहाँ का व्यापारी खरीदता है और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के लाल इलाका करके एफसीआई में बेचता है, वहाँ के ही किसानों का हक मारा जाता, कैमूर के किसान, रोहतास के किसान, बिहार के किसानों के हक तो मारे ही जाते। और 30% सरकार में बिकता है, यहाँ के अधिकारियों का गाड़ी खरीदने का पैसा जुटता है, जमीन खरीदने का जुटता है, कम से कम इस जिला में 100 करोड़ रुपए यहाँ के जिला प्रशासन के लोग भ्रष्ट तरीके से करते हैं। ये है हमारे उत्पादन बढ़ाने का नतीजा। आपके अनाज से 100 करोड़ यहाँ के अधिकारी घूस खाते हैं, उस घूस में कुछ पैसे पट्टा भी देते होंगे उनकी जवान को बंद करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि धान खरीदने भ्रष्टाचार में कोई अधिकारी यहाँ जेल गया होगा, मुझे नहीं जानता क्या बात, खुलेआम भ्रष्टाचार। अखलाक साहब ने कहा कोई भी आदमी दस्तर से माथा झुक जाता है, मेरा मैं जनप्रतिनिधि हूं, विधायक हूं, मेरे पास 100 से 200 लोग हो जाते हैं, जब सुनते हैं कि अनाज जो बांटते हैं गरीब उसमें भी पैसा, बाकी खारिज में भी पैसा, खाने पर भी पैसा, माथा सर से झुक जाता। हम ऐसी सरकार चला रहे हैं, एक कैमूर का भी सबसे बेहतर सरकार चलाने का नमूना हुआ करता था, आज भ्रष्टाचारियों का ऐसा के रूप में कैमूर बदल गया, यह बात छुपी हुई नहीं। किसके पास जाएगा कहने के लिए, जब ऊपर से नीचे हमाम में नंगे लोग हो तो आप किसके पास जाइएगा? एक बड़े नेता ने कहा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है, मैंने कहा मेरे खून ठंडा होते तो मैं इस्तीफा नहीं देता, मेरे खून गर्म है, लेकिन किसके पास फरियाद लेके जाओ? जरा पर कहनी आस उदैया तो केवड़ी नवरास देहात पे खिस्ता कहा। हम इन पार्टी के नेताओं के भरोसे मिलने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं बता दूं, दिनेश जी, राकेश जी कहेंगे राजनीतिक दल समाधान आपका नहीं ढूंढेंगे, इस बात को गारंटी से लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पर। आप वोट जहां देना हो 5 साल में एक बार, मैं नहीं पूछने आऊंगा, मुझे भी आप मत दीजिएगा,
कसम से मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से मुझे भी वोट मत दीजिएगा जब तक हम काम आपका ना करें। लेकिन एक बार काम तो करा लेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं, लाठी डंडा से डर लगता है कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। लोहिया ने बताया था हम लोगों को, आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का, कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा, कोई दफा लगेगा। आप कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूटा माला पहनाते अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा। हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थूक दीजिएगा उसके मुंह पे, चेहरे पे 100 लोग मिलकर के, और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा।